चलो शुरू कर दिए हैं। बहुत लेट हो गया सर। ठीक है, आवाज वगैरह जा रहा है ना? यस चलिए देखते हैं नेटवर्क किस तरह से रहता है। नेटवर्क के का प्रॉब्लम ही रहता है। चलिए, ये चैप्टर तो पता ही है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड भी पूछ लेता है क्वेश्चन इससे, जैक भी पूछता है। चलिए विदाउट एनी डिले क्लास को शुरू ही कर देते हैं। आवाज की जो आज का टॉपिक है मोड। ठीक है, हम लोग मोड पर आज चर्चा करेंगे। तो टू स्टार्ट द क्लास कंसीडर अबाउट दिस टेबल। चलिए इस टेबल पर कंसीडर करते हैं। इस टेबल को कौन कौन एनालिसिस कर सकता है? चलिए एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले किसको चांस दें एनालिसिस करने का? अपने से बोलिए आप लोग। लेट्स एनालाइसिस दिस टेबल। इस टेबल को एनालाइसिस कीजिए। तो गया आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा। इस टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल और इस टेबल का हम लोग मोड फाइंड आउट करेंगे। इफ यू बिकम सक्सेस टू एनालाइसिस दिस टेबल देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द मोड ऑफ एनी ग्रुप्ड डाटा। किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मोड फाइंड आउट करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोग में से कोई कीजिए इसको एनालिसिस। हेलो हाँ, एनालिसिस कीजिए। इस टेबल को एनालिसिस कर पाइएगा? कीजिए। यस सर। सर इसमें फाइंड करने हम लोग बोल रहा मोड और मीन को, और हम लोग जैसे मोड जैसे फाइंड करें तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और जो क्लास इंटरवल है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 है, और फ्रीक्वेंसी में हमारा 6, 11, 21, 23, 45 है। तो इसमें सबसे हम लोग को बड़ा नंबर 21 है, तो वो हम लोग का F21 हो जाएगा, और FO हम लोग का 11 हो जाएगा, और F223 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, दिस इज द एनालिसिस। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। दिस इज द क्लास इंटरवल। ये क्या है? क्लास इंटरवल है ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डाटा। ये डाटा ग्रुप्ड में है और इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे। इन द बिलो ऑफ द क्लास इंटरवल वी हैव 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। दीज आर द फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यहाँ तक तो एनालिसिस हो गया। यहाँ तक एनालिसिस हो गया कि कहाँ पर आपका क्लास इंटरवल है और कहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। इससे आगे कोई इसको एनालिसिस कर पाइएगा? एनीबॉडी? सर जो हम लोग का ये डिफरेंस बिटवीन जो क्लास इंटरवल वो 10 का है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है क्लास इंटरवल, अगर ईच क्लास इंटरवल में आते हैं तो डिफरेंस जो है सेम ही है। और यू आर राइट, योर 10 का ही डिफरेंस है। और आगे कुछ एनालिसिस है और तुम्हारे सर पास? ये ग्रुप डाटा है सर, ये जो गिवन डाटा ये ग्रुप डाटा है। ऑलरेडी इसमें तो कोई एनालिसिस का जरूरत ही नहीं पड़ा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप डी डाटा है, सो इट इज बहुत, तो ये नया चीज नहीं है। तो फिर और कुछ एनालिसिस है तुम्हारे पास? हैव यू एनी मोर एनालिसिस ऑफ दिस डाटा? और इसमें कोई है क्या?
हाँ कुछ एनालिसिस है भाई आपके पास? आप काफी दिन के बाद आए हम लोग के साथ, आप इस डाटा को एनालिसिस कर यस सर थोड़ा बिट हाँ चल ये इस डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं, यस सर कीजिए। सर इस टेबल डाटा में बोला गया है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट को एडमिट किया जाता है डिकेड में, 10 साल का डिफरेंस अभी में, इसलिए और कुछ एनालिसिस ओंकारेश तुम्हारे पास कुछ और एनालिसिस है? और ये ग्रुप डाटा है सर क्योंकि इसमें 5 10 10 साल का ओंकारेश तुम्हारे पास और कुछ एनालिसिस है? नो सर तो लेट्स लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, हमको अब आप लोग सुनिए। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करते हैं। बताओ इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 23 सर, क्लास इंटरवल 35 से 45 में। चलिए अब तुम्हारे पास हो सके कुछ रिमेम्बर हो गया होगा तो एनालिसिस कर सकते हो। तो ये 23 जो है इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यही ना? 23 से भी बड़ा कोई है क्या? तो मोड का पहला स्टेप है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ही देखो कहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो 23 सबसे ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है किसी टेबल में, स्पेशली ग्रुप्ड डाटा में या अनग्रुप्ड डाटा जो भी हो, लेकिन हमारा सिलेबस कहता है कि हम लोग को ग्रुप्ड डाटा ही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 to 45 को है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो होगा ये मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? 23 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर 35 to 45 इज द मॉडल क्लास। लिसन मी वेरी केयरफुली, आपको आप लोग हमको बहुत ध्यान से सुनिए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। सो इन दिस टेबल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23 एंड द करस्पॉन्डिंग इंटरवल ऑफ दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35 to 45। अगर ये 35 और 45 पर कंसिडर करें तो क्या होगा? व्हाट इज 35? 35 लोअर लिमिट्स, वाह वेरी गुड, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल। चलिए अभी 35 लोअर लिमिट और 45 अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हाँ तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ए क्लास इंटरवल टेबल और ग्रुप्ड डाटा। No problem to identify lower limit and higher limit of the modal class. Anybody has problem? No sir. No sir. चलिए वो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहां से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी क्लास से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अगर जाते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर ये 25 to 35 आते हैं, तो व्हाट इज दिस वन? 25 to 35 विथ रेस्पेक्ट टू 35 to 45। 35 और 45 के रेस्पेक्ट में 25 और 35 क्या होगा बोला बताओ? सर प्रीसीडिंग टर्म होगा वो। प्रीसीडिंग टर्म होगा, यह टर्म है क्या? 35 25 to 35 टर्म है जी? नो सर। नो सर। क्या है? क्लास इंटरवल, प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। तो हमारा रिप्लाई भी अच्छा से होना चाहिए, 25 to 35 इज द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत है? नो सर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल विथ रेस्पेक्ट टू द मॉडल क्लास। अब यहाँ पर जाते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है?
21 इट मींस दैट आपको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपका प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को भी आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत है? नो सर अब चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं 45 टू 55 ये क्या है व्हाट इज दिस सक्सीडिंग क्लास इंटरवल विथ रेस्पेक्ट टू 35 टू 45 व्हाट इज 35 टू 45 क्लास इंटरवल मॉडल क्लास अब इसका नाम आ गया भाई आइडेंटिफाई करने के बाद 35 टू 45 ये मॉडल क्लास हो गया और मॉडल क्लास का सक्सीडिंग इंटरवल 45 टू 55 है और इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है 14. चलिए क्लास इंटरवल वाले फ्रीक्वेंसी को हम बोलता है F1 ठीक है अब सक्सीडिंग में जाएगा तो ये हो जाएगा F2 ठीक है और जब प्रीसीडिंग में जाएगा तो वन प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा बताओ इसका सर वन F0 हो जाएगा जीरो वन का प्रीसीडिंग जीरो हो जाएगा तो ये यहाँ जीरो लिख दिए इट मीन्स दैट F0 डिनोट कर रहा है प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल विथ रेस्पेक्ट टू मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 डिनोट कर रहा है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी और F2 डिनोट्स कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास ठीक है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या नो सर अगर इस बात को आप समझ गए तो आप एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम कर लेंगे अगर रिलेटेड होगा मोड से तो आप आरएस अग्रवाल का कर लेंगे एमएल अग्रवाल का कर लेंगे आरडी शर्मा का कर लेंगे या आपके स्टैंडर्ड का कोई भी क्लास कोई भी बुक होगा किसी भी राइटर का आप कर लेंगे अगर यदि यहाँ पर आप समझ गए तो और यदि आपको समझने में दिक्कत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पुट अप योर डाउट आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर ऑल डाउट ठीक है यहाँ पर आपको कितना चीज जानना है आपने खुद जब इसका एनालिसिस कर रहा था तो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस था वो आप जान गया उसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज ठीक है क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलता है क्लास साइज आपको समझ में आ गया आपका दूसरा जो था आपने फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वहां पर आप रुक गया और उसका क्रॉसपॉन्डिंग आपने क्लास इंटरवल को देखा उसको क्या बोला जाता है मॉडल क्लास के आपने लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई कर लिया अपर लिमिट को आइडेंटिफाई कर लिया लोअर लिमिट के लिए हम लोग L का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए अपर लिमिट का यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है लेकिन इन हायर क्लास विद द हेल्प ऑफ द अपर लिमिट भी हम लोग मोड निकाल सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग लोअर लिमिट पर ही कंसिडर करेंगे आप मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग इंटरवल को भी आइडेंटिफाई कर लिए आप मॉडल क्लास के सक्सीडिंग इंटरवल को भी आइडेंटिफाई कर लिए अभी इसमें हम कुछ हाइड कर दिए हैं अब फिर जब इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर आप लोग से पूछेंगे इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे आपने क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को भी नोमेनक्लेचर कर लिया मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए आपने F1 लिखा और सक्सीडिंग इट मीन्स दैट वन से जो ग्रेटर होगा कंसेक्टिव होगा तो वन के ठीक बाद वाला टू है आपने सक्सीडिंग जो है मॉडल क्लास का इंटरवल जो है उसके फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया और आपने प्रीसीडिंग का भी आइडेंटिफाई कर लिया आपके पास L का वैल्यू है इट मीन्स दैट लोअर लिमिट आपके पास F1 का वैल्यू है आपके पास F0 का वैल्यू है आपके पास F2 का वैल्यू है और आपके पास क्लास साइज का भी वैल्यू है इट मीन्स दैट L
F1, F0, F2 और H का वैल्यू आपके पास है। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? नो सर। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस इज वन मोर फिगर और लेट्स सी, ये फिगर को देखिए क्या कहता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ इनटू एफ प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू एच। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मोड फाइंड आउट करने के लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इस फॉर्मूला को एनालिसिस करेगा वैभव। वैभव एनालिसिस करो। सर मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा तो ऋषभ के स्क्रीन में आ रहा है क्या ये? यस सर। चलिए एनालिसिस कीजिए, आप ध्यान से सुन रहे थे ना? यस सर। एल वाला थोड़ा दिक्कत हुआ सर। एल में दिक्कत हुआ। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सर हम बताते मॉडल क्लास। चलिए कौन करेगा? चलिए ओंकार। अच्छा वैभव बताओ। यस सर। बताओ सर, एल एल जो है वो हमारा लोअर लिमिट है। चलिए ठीक है, लोअर लिमिट आपको आइडेंटिफाई करने आता है क्या सर? लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई करने आता है, आइडेंटिफाई कर लेंगे आप? यस सर। क्या है उसका पहचान बोलिए? उसका पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा? देखिए रिप्लाई करने अभी बताया ना जी, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उस क्लास इंटरवल के, उसी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है ना भाई? यस सर। तो आइडेंटिफाई, अब देखिए थोड़ा सा बोले तो रिप्लाई ये नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एनालिसिस की फिर आगे बोलिए। हाँ हाँ आइए। आवाज नहीं आ रहा, पूरा कट कट के आ रहा। सर ज्वाइन होते हैं री पर। हाँ कीजिए। ओंकारेश आवाज मेरी जा रही है ना? चलो फिर से ज्वाइन करता है, तब तक तुम एनालिसिस करो इसको। सर इसमें L दिया हुआ है, इसका मतलब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है L। उसका फिर F1 दिया हुआ है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। उसका फिर माइनस F0, F0 जो है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का। उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 2F1, तो हम लोग का जो F1 है उसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, फिर माइनस F0 जैसे जो प्रीसीडिंग टर्म उसको माइनस किया है, प्रीसीडिंग टर्म है जी, उसमें और माइनस ये प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी सर। हाँ हाँ ठीक, चलिए प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ उसके बाद फिर हम लोग उसमें भी माइनस के सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फिर उसको एच से मल्टीप्लाई कर दिया है, एच से मतलब उसका क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप क्लास साइज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, लोअर लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे, F1 को फाइंड आउट कर लेंगे, F0 को फाइंड आउट कर लेंगे, F2 को भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, अगर यदि कोई ग्रुप्ड डाटा आपको दिया हुआ है तो। और जब दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप उसका मोड भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? So this is the most important formula. इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए कि शॉर्ट स्क्रीन ले लिए? स्क्रीन शॉर्ट नहीं लेना है, उसको नोट कीजिए। नोट कर लिए। चलिए आगे चले अब कि एक बार रिकैप फिर करें। नो सर रिकैप। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। इट मींस दैट सब अग्री हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है।
मॉडल क्लास बताइए क्या होता है मॉडल क्लास, व्हाट इज द मॉडल क्लास? जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहता है उसी को मॉडल क्लास कहते हैं सर। क्या सबको एग्री है इनके साथ? सर एक बार और रिपीट करने बोलिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए भाई, रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज मॉडल क्लास? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता है उसका जो टर्म दिया हुआ रहता है मतलब क्लास इंटरवल उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। चलिए आप सुन लिए सबको? यस सर। क्या ये सही है? यस सर। चलिए ऋषभ जुड़ा कि नहीं? अभी जुड़ा। हाँ सर। वैभव जुड़ा? यस सर। चलिए वो सुना ही नहीं वो। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास? यस सर। सर फॉर्मूला बताए उसका क्या बताए? लोअर लिमिट बताइए आप, क्या बताना है इतना तो बताइए आप। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके सर। सर जैसे हम लोग जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करते हैं जी कि उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कहां पर है वो देखते हैं। ग्रुप्ड डाटा में कहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही देखते हैं ना। यस सर। चलिए ठीक है लोअर लिमिट बताइए। सर उसी का फिर जो क्लास इंटरवल रहता है उसका जो राइट साइड की लेफ्ट साइड है लेफ्ट और राइट इसको पता ही नहीं। चलिए बोलिए। यस सर। हाँ जो राइट साइड रहता है वो लोअर लिमिट। क्या भाई अग्री है? रुक जाइए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या सबको बाकी सब अग्री है इनके साथ? ये राइट वाला बोल रहे हैं तब इनको लेफ्ट और राइट पहले बढ़िया से समझाइए वैभव को। वैभव जो लेफ्ट वाला होता है ना वही छोटा होता है और लोअर का मीनिंग ही होता है छोटा और राइट वाला जो होता है ना बड़ा होता है। ओके सर। तो हमको लोअर लिमिट चाहिए उस क्लास इंटरवल में दो नंबर होंगे तो दोनों नंबर में जो लेफ्ट वाला होगा वो लोअर लिमिट होगा। चलिए इसको ओके और सर लेफ्ट वाला जो रहता है वो लोअर लिमिट रहता और एफ वन जो रहता है वो प्रीसीडिंग टर्म रहता है जो हम लोग मैक्सिमम निकाल। अभी आएगा अभी वो आएगा अभी पेशेंस नहीं होना है वो आएगा। अच्छा। अब खाली आप राइट वाला बताओ क्या होता है उसी क्लास इंटरवल में राइट वाला अपर लिमिट होता है। चलिए भाई बाकी सबको एग्री है? यस सर। चलिए ठीक है एग्री है तो फिर करना क्या है बताइए अब क्या है? F1, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाले तो उसी का प्रीसीडिंग टर्म होता है। अच्छा तो इसके लिए क्या करते हैं? मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं हम लोग? सर F0 लिखते हैं। F1 लिखते हैं सर उसके प्रीसीडिंग टर्म को F0 लिखते हैं। देखिए ऋषभ को एकदम पूरा ध्यान से सुनता है बढ़िया से रखा है सारा सामान इसका ठीक ठाक है आवाज ठीक से चलता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। हाँ तो भाई हाँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास लिखा हुआ है मॉडल क्लास के ठीक प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला आगे वाला नहीं पीछे वाले फ्रीक्वेंसी को उसके लिए जब हम F1 लिखते हैं तो F1 मतलब 1 से छोटा क्या हो जाएगा ठीक 0 जीरो, तो ये रिमेम्बर रखिए ना F0 हो जाएगा ठीक है। अब क्या है बोलिए? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल ऑफ क्लास मॉडल ऑफ क्लास मॉडल क्लास होगा मॉडल क्लास ही होना चाहिए ऑफ चलिए मिस प्रिंटिंग है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास ठीक है। तो ये किस इसके लिए क्या डिनोट करते हैं कौन सा लेटर? F2। चलिए अब लास्ट में क्या बच गया मॉडल क्लास नहीं था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ठीक है। आप देखिए क्या है क्लास साइज किसका जरूरत पड़ जाएगा यहाँ पर मॉडल क्लास तो चाहिए हमको लोअर लिमिट चाहिए हमको फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग अपर लिमिट
लोअर लिमिट ही चाहिए इसमें, अपर लिमिट आइडेंटिफाई होता है अलग बात है, हमको लोअर लिमिट ही चाहिए। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला बोल रहे थे उसमें लोअर लिमिट एल का ही जरूरत है ना, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास चाहिए, मतलब हमको एफ वन चाहिए, सॉरी एफ जीरो चाहिए, फिर यहाँ से हम एफ वन ना, ये एफ टू और ये आपका है एफ वन और ये क्लास साइज इट मींस दैट एच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। चलिए देयर इज नो कंफ्यूजन। एक बार केवल इसके फॉर्मूला को फिर से देख लीजिए, ये फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर लिया है ना, लोअर लिमिट क्लास साइज बोलते क्या सर? हाँ क्लास साइज बोला जाता है, है ना, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल इज नॉन एज द क्लास साइज, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये सक्सीडिंग का है और ये प्रीसीडिंग का है और ये लोअर लिमिट है, मतलब आपको एल वन आइटम, एफ वन सेकेंड, एफ जीरो थर्ड और एफ टू फोर और एच, ये पांच आइटम यदि आप वहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो आपको ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसका क्या मोड फाइंड आउट कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के देखिए, यही एक्सरसाइज है, इसमें मोड फाइंड आउट हमको करना है, मीन ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में कर चुके थे, उसका वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आज का भी बढ़िया से अगर रिकॉर्ड वगैरह होगा तो इसको भी अपलोड कर देंगे, इसको और एक आध बार देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में केवल हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर केवल मोड पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन डाटा या ग्रुप्ड डाटा, इस ग्रुप डाटा का आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, मोड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पर कंसिडर करेंगे, यही फ्रीक्वेंसी है, कहां पर रुकेंगे, सिक्स देखते हैं, सिक्स और इलेवन में कंपेयर करते हैं, विच इज ग्रेटर, सिक्स और इलेवन में कंपेयर करने से कौन बड़ा है, सेवन, सेवन बड़ा है जी, सिक्स और इलेवन में कंपेयर, हाँ इलेवन सर, सेवन सुना सर, अब इलेवन और ट्वेंटी वन में करेंगे तो कौन बड़ा है, 21 सर, 21 और 23 में करेंगे तो कौन बड़ा है, 23 और 14 में करेंगे तो कौन बड़ा है, 23 सर, 23 और 5 में करेंगे तो कौन बड़ा है, 23 सर, तो 23 ही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस ग्रुप डाटा का, ये क्या हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, मॉडल फ्रीक्वेंसी सर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसके लिए क्या लिखेंगे सर, F1, हाँ F1 इक्वल टू 23, अब मॉडल क्लास कहाँ पर आ जाएगा, 25 टू 35 क्लास में, यस सर, ये होगा 25 टू 35 होगा जी मॉडल क्लास, नो सर, 35 टू 45, चलिए 35 टू 45, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 35 और 45 में हमको क्या मिलेगा सर, लोअर लिमिट मिलेगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट मिल जाएगा सर, क्लास साइज में मिल जाएगा, हाँ उसके लिए क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए सर 35, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35, चलिए 35 हो गया,
अब इसका प्रीसीडिंग किधर जाएंगे, 45 टू 35। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉडल क्लास ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द मॉडल क्लास। हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का, तो ये हो गया 21। इसके लिए क्या लिखेंगे, F0, F1। अच्छा, आप सक्सेडिंग क्लास इंटरवल के क्या हो जाएगा, 25 to 35। हाँ, सक्सेडिंग 45 to 55। अच्छा, सक्सेडिंग 45 to 55 और इसका सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी 14 हो जाएगा, यानी F2। आपको सारा चीज मिल गया, H भी मिल गया। अब देखिए फॉर्मूले को यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर देखिए रिकॉल कर लिया गया, पहले मीन फाइंड आउट किया है, ये देखिए फॉर्मूले को रिकॉल कर लिया, डाटा को यहाँ पर लिख दिया, पहले डाटा को ही क्लियर किया, डाटा को देखा, मॉडल क्लास को लाया 35 to 45, लोअर लिमिट आपका 35 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आपका 23 हो गया, क्लास साइज 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास आपका 21 हो गया, फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास आपका 14 हो गया। उसके बाद मोड का इस फॉर्मूला को हम लोग रिकॉल कर लिए, और रिकॉल करने के बाद जो जो वैल्यू था यहाँ पुटअप कर दिए, ठीक है, और पुटअप करने के बाद जो सिंपल कैलकुलेशन है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर सबट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है, तो क्लास 10 का विद्यार्थी इसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Yes, sir. तो ये जो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग करने के बाद मोड जो मेरा आया कितना आ गया, मोड कितना आ गया, 36.8। तो मतलब मोड जो आता है इसी मॉडल क्लास के बीच में आता है, ठीक है, ये मॉडल क्लास मतलब 35 और 45 के बीच में ही कुछ आएगा। तो अगर यदि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए, वो आपका डेटा दे दिया जाए और बोला जाए कि पिक आउट द मोड, और इसमें से आपका ऑप्शन दे दिया जाए, कुछ ऑप्शन दे दिया जाए लेस देन 35, कुछ ऑप्शन दे दिया जाए मोर देन 45, और कुछ जो एक ऑप्शन आपका बीच में दे दिया जाए, और एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें लिख दिया जाए नॉन ऑफ दीज, तो आप क्या करेंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे? No, sir. तो क्या करेंगे सर, जो 35 से 45 के बीच में मार देंगे। हाँ ठीक है, क्या है कि एक यदि वहां पर एक यदि चार ऑप्शन दिया है और नॉन ऑफ दीज नहीं दिया है, तब तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, काहे कि वो चार ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, और ऑटोमेटिक है जो करेक्ट ऑप्शन है वो 35 से 45 के बीच में होगा। अगर 45 से ग्रेटर है या 35 से लेस है तो उस सब ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, और ऑटोमेटिक इसके बीच वाला जो ऑप्शन होगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मोड से रिलेटेड, मोड से बनाना होगा, क्यों बनाएंगे भाई, एक तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वही लिखा ही रहेगा ऑलरेडी जो आंसर में रहेगा ना, तो एक यही रहेगा एक ऑप्शन 36.8, बाकी यदि दिया रहेगा बोलेगा पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डाटा सो दैट वी फाइंड करेक्ट मोड, ठीक है, इस डाटा का करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए जिससे हमको करेक्ट मोड मिल जाए इस डाटा का। तो मोड का आपका जो बेसिक कंसेप्ट यही है, मॉडल क्लास के बीच में ही मोड आता है, तो अगर चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन में मान लीजिए तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन 35 से पीछे दे दिया है, एक ऑप्शन 45 से बीच में दे दिया है, और मात्र एक ऑप्शन जो है 35 और 45 के बीच में दिया है, तो इसमें कैलकुलेशन क्या करना है,
बिल्कुल वो ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट मोड होगा, है ना, वही करेक्ट मोड होगा। अगर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, और बाकी जिनको ये कंसेप्ट पता रहेगा वो उसको पिक आउट करके उसका जो भी है OMR सीट वगैरह रंग के वो अपना उसका नंबर ले लेगा, और आप भी पूरा खुश हो जाइएगा, हाँ मैंने बनाया और मैंने 5 मिनट में इसको बना दिया। नहीं, हम परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिख रहा था इसलिए 5 मिनट नहीं, इसको तो मैं 2 ही मिनट में कर लिया, और जो बंदा को कंसेप्ट क्लियर था वो 30 सेकंड में कर लिया। तो आपको बताएं, यदि इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और यदि उसके बीच में जो रहेगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं ऐसा आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन में आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कि दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको मोड फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप, पहला काम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों जो है आप जितने भी यहाँ पर है एक एक करके एक एक टॉपिक लीजिए, एक एक टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, और ऑर्डर वाइज एक टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। कौन करेगा पहले? ओंकारेश करो। हाँ सर। हाँ करो। सर इसमें पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आप वो तो देख लिए, बहुत एनालिसिस सबसे ज्यादा 61 है। हाँ आप ये सब सारा चीज पूरा देख लिए, पूरा एनालिसिस की कर लिए। अब इसमें आपको जो जो आइटम का रिक्वायरमेंट है ना, उसमें से एक आइटम का वैल्यू बताइए क्या होगा। सर किसका वैल्यू बताएंगे आप? F1। चलिए F1 का वैल्यू कितना होगा बताइए। F1 का सर? हाँ बताइए कितना होगा। 61। चलिए 61। 61। हाँ भाई देखिए वही 61 को ही राउंड किया है। F2 38 ना, आप दूसरा कोई बताएगा भाई, आप सारा चीज आप ही बता देंगे। चलिए वैभव बताओ क्या बताओगे। क्या बताओ? इसमें लोअर लिमिट 60 हो जाएगा। चलिए ठीक है, रुक जाइए 60 यही ना। चलिए अब बाकी आप बताइए भाई, एक कोई आइटम निकल गए क्या? हेलो सर, है सर। हाँ बताइए आप एक आइटम आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए। यस सर, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आपका 52 है। चलिए बस 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 इतना ही, चलिए हो गया। ओंकारेश बताओ आप क्या बताओगे सर? F238 है। चलिए ठीक है, वैभव बताओ। यस सर, सर हाइट इसमें 20 है। हाइट 20 है, वाह सारा रामायण वही देखो, हाइट बोल रहा है। सारा रामायण खत्म हो गया, इतना बताते बताते हम भी थक गए। ये चार को नाम याद नहीं रख सका, पांच नाम याद नहीं रख सका, तो ये क्या हिसाब बनाएगा बताइए। और कौन बोलेगा सर? क्लास इन क्लास साइज हो जाएगा वो 20 सर। ठीक है, क्लास साइज के लिए हम लोग एच लिखते हैं वैभव, ठीक है। तो आपको ये बोलना था वैभव, एच बोलना था, तो एच का वैल्यू कितना चला जाएगा इसमें? 20। चलिए कितना आइटम का जरूरत था, ये सारा चीज ठीक है जो जो राउंड किए हैं? यस सर। ठीक है, इतना ही चीज में अब हमारा जो है मोड का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप बताइए इसका आंसर कितने के बीच में जाएगा? सर इसका आंसर 60 से 80 के बीच में। चलिए आप लोग तो बड़ा तेज हो गए जी, काफी इंटेलिजेंट हो गए। चलिए 60 to 80 के बीच में ही आएगा। अब हम लोग केवल लिख देंगे फ्रॉम डाटा और फ्रॉम गिवन ग्रुप्ड डाटा इट इज क्लियर दैट, ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट होगा। L इक्वल टू 60 लिखेंगे, F1 या F0 जो लिखना है, F1 61 लिख देंगे,
एफ जीरो 52 लिख देंगे, एफ टू 38 लिख देंगे और एच इक्वल टू 20 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट और फार्मूले को रिकॉल कर लेंगे। यही हम लोग का फार्मूला है कि नहीं, और यही डाटा है हम लोग, यही डाटा है। एल से शुरू किए कहानी, एच में खत्म कर दिए। पांच ही चीज होगा, एक दो तीन चार पांच, देयर आर फाइव आइटम्स। उसके बाद फार्मूला को रिकॉल कर लिए, वैल्यू वगैरह पुट कर दिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोग से हो जाएगा ना, सबट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है ना आप लोग को? चलिए आता है, वेरी गुड। देखिए निकाल दिए भाई, कितने के बीच में आ गया, कितना आ गया, उसी के बीच में आया ना? यस सर, 62 80 के बीच में ही आया ना, 65 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? Anybody has problem? No sir. No sir. To understand the explanation or solution of this question? कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? अगर मान लीजिए इसी में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता और बोलता कि फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन डाटा, एक नंबर में दे देता 59, दूसरा ऑप्शन दे देता 81 और फिर तीसरा ऑप्शन दे देता 82 और एक ऑप्शन 60 और 80 के बीच में देता, वो करेक्ट ही ऑप्शन देता जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 65 पॉइंट समथिंग आया, तो आप क्या करते, इतना कैलकुलेट करते? नो सर, उसके बीच वाला जो है उसको पिक आउट करके निकल जाते है ना, और जो आप पिक आउट करते वही करेक्ट ऑप्शन हो जाता। क्या है कि उसमें करेक्ट ऑप्शन जब उसको डालना है तो अब तो जो करेक्ट आंसर आएगा वही डालेगा ना एग्जामिनर, कि दूसरा डालेगा? सर जो करेक्ट आंसर होगा वो डालेगा। हां तो फिर विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी डाउट का, बिना किसी हेजिटेशन को हम लोग अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और अपना नंबर लेते बनेंगे। सो इट इज वेरी इजी, मोड जो है मोड इज वेरी इजी इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मोड जो है आपका बहुत इजी है, और अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो दिस इज अनफॉर्चुनेट ऑफ यू, ये आपके लिए ठीक बात नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट हो जाएगा आपके लिए। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या? आपको पांच आइटम आइडेंटिफाई कर लेना है। पहला आइटम एल है, फिर एफ वन है, एफ जीरो है, एफ टू है और फिर आपका एच है, और उसमें जो फॉर्मूला है उसको रिकॉल कर लेना है, वैल्यू पुट अप कर देना है और एक सिंपल जो कैलकुलेशन, सबट्रैक्शन जाएगा, एडिशन जाएगा और मल्टीप्लीकेशन जाएगा और डिविजन जाएगा। इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन में आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका चार नंबर का क्वेश्चन है तो ये चार नंबर आपको मिलना चाहिए। अगर आपको ये चार नंबर नहीं मिलता है तो इट मीन्स दैट आप काफी वीक है मैथमेटिक्स में। कहे कि इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या? नो सर। तो बाकी का जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग का एक्सरसाइज है, बुक है ना? यस सर। तो आप मीन और आप मीन का क्लास मिस कर गए ऋषभ, मीन का क्लास हम लोग लिए हैं एक दिन, तो आप उसमें जो यूट्यूब में जो है वैभव था मीन का क्लास, वहां पर देख लीजिएगा वैभव, यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, और हो सके अभी क्लास ओवर होते होते अगर ये रिकॉर्ड हो गया है तो इसको भी अपलोड कर देंगे, और ये भी क्लास जो है क्लास 10 में पढ़ने वाले आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी यूजफुल होगा। तो मैं आज का क्लास अब ओवर कर देता हूँ, ठीक है सर? हाँ बोलिए। और मोड दोनों निकालेंगे ना? अभी तो मोड पर कंसीडर कर रहे थे ना, तो अभी हम मोड में ही चलेंगे। आप केवल मोड फाइंड आउट कीजिएगा, मीन तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अभी इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन होगा
अगर उसमें मीन भी बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो आप मीन फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप केवल मोड फाइंड आउट करेंगे। सर अभी हम लोग क्या बोले, हम लोग लेवल में मीन निकालने के लिए कितना फॉर्मूला होता है सर? अभी हमारे पास मीन के लिए तीन मेथड है, डायरेक्ट, एज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन। तो मीन का, मीन से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर है, यूट्यूब में जाइए वहां पर देखिए, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक क्लास अरेंज कर देंगे, लेकिन एक ही चीज को कितना बार बार अरेंज करें। तो क्लास यदि होता है तो इसमें ज्वाइन कीजिए आप लोग टाइम के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन वगैरह या नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा कटअप हो जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हाफ दैट आप अगर क्लास में जुड़ेंगे तो मैं आप लोग को एश्योर दिलाता हूँ कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और वो टॉपिक बिल्कुल उसका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, और आप उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ और किसी भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करेंगे तो ऑटो पक्का